नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत आज नहाय खाय से हो चुकी है और आज नहाय खाय के दिन जितने भी छठ व्रती हैं वो गंगा घाट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। वहीं कटिहार की बात करें तो कटिहार नगर निगम प्रशासन ने छठ व्रतियों के लिए ये सुविधा दी है कि उनके घर तक जो गंगा जल है वो पहुँचाया जाए और टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। जिस टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करके अगर कोई चाहे घर तक उन्हें गंगा जल पहुँचाया जाए तो वह सेवा उन्हें दी जाएगी। इस बात की जानकारी जो है वो नगर निगम प्रशासन के द्वारा दी गई है और साफ तौर से उन्होंने यह भी बताया है कि किस तरीके से जो लोग जिनके पास संसाधन की कमी है, जो लोग मनिहारी घाट तक नहीं पहुंच सकते हैं उनके लिए ये सेवा जो है वो शुरू की गई है और इस पर श्रद्धालु जो वहाँ पर गंगा जल लेने के लिए पहुंचे हैं वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए। पता चला था कि नगर निगम में गंगा जल मिल रहा है, हम लोग तो मनिहारी जा नहीं पाए, कटिहार में ये सुविधा हो गया, हम लोग को बहुत अच्छा लगा क्योंकि सबको मिल रहा है गंगा जल और सब अब धूमधाम से छठ का पर्व मनाएगा। मेरा नाम रोशन कुमार हुआ। गंगा जल लोगों तक पहुंचा रहा है, कितना बेहतर पहल मानते हैं इसको? हम लोग इसको बहुत अच्छा पहल मान रहे हैं क्योंकि अभी लोगों के पास समय बहुत कम होता है, मनिहारी घाट जाने में समस्या होती है, तो अब हम लोगों को यहीं पे गंगा जल उपलब्ध करा दिया जा रहा है तो हम लोगों के पास समय भी बहुत बच रहा है। हम लोग बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि ये नगर निगम से हम लोगों को गंगा जल का उपलब्ध कराया जा रहा है। हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोगों को गंगा जल घर में ही मिल जा रहा है। तो आपने सुना कि कटिहार में जो इस तरीके से सेवा दिए जा रहे हैं नगर निगम प्रशासन के द्वारा, इससे श्रद्धालु काफी ज्यादा खुश हैं और साफ तौर से बताते हुए नजर आ रहे हैं कि इस वक्त लोगों के पास समय का अभाव है और कई लोगों के पास ऐसा भी है कि वो मनिहारी घाट तक नहीं पहुंच पाते हैं, काफी दूर है घाट। इसके लिए नगर निगम प्रशासन के द्वारा जो ये सेवा दी जा रही है, जो पहल शुरू की है वो बेहद ही अच्छी है और इस पर बता दें कि जो नगर निगम प्रशासन है वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए। छठ का पर्व एक बहुत धार्मिक महत्व रखता है हमारे कटिहार की जनता के लिए। हमने ये प्रयास किया है कि गंगा जल का बहुत ही महत्व है इस छठ पर्व में और वैसे लोग जो चाहते तो हैं गंगा जल प्राप्त करना लेकिन उनके पास संसाधन का अभाव है और वो यहाँ से छठ घाट मनिहारी घाट काफ़ी दूरी पर है, वहाँ से वो जल लाने में असमर्थ हैं। तो ऐसे परिवारों के लिए, ऐसे छठ व्रतियों के लिए ये एक प्रयास किया गया है हमारे नगर निगम के द्वारा कि वो आसानी से यहाँ से गंगा जल प्राप्त कर सकते हैं। गंगा जल उन्हें बिल्कुल मुफ्त मुहैया कराई जा रही है। यदि उनको ले जाने में दिक्कत है, यदि वो अपने घर का एड्रेस बताते हैं तो हमारे पास छोटे छोटे वाहन हैं, गैलन में भर करके उनके घर तक भी पहुंचाने की व्यवस्था नगर निगम प्रशासन कर रही है। सर, ये सेवा पूरी तरह निःशुल्क है? पूरी तरह निःशुल्क है, इसमें किसी भी तरह की कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये नंबर तो इसके लिए नहीं, मैंने कटिहार नगर निगम के लिए जो भी अलग अलग तरह की शिकायतें लोगों की होती हैं और उस शिकायत पे अपना वो कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं और उसका रिड्रेस किया जा सकता है, तो टोल फ्री नंबर 1800-345-1234, ये टोल फ्री नंबर कटिहार नगर निगम के लिए लिया गया है और ये जन सुविधा के लिए है। जिस भी तरह का कंप्लेन हो उसको यहाँ नोट करा सकते हैं और उसको एक टाइम टू टाइम उसको रिड्रेस किया जाएगा। तो आपने सुना कि नगर निगम प्रशासन के द्वारा साफ तौर से यह कहा जा रहा है कि यह सेवा उनके लिए खासकर चलाया गया है जिनके पास संसाधन का अभाव है और जो लोगों के लिए मनिहारी घाट थोड़ी दूर है उनके लिए घर घर तक गंगा जल जो है वो पहुंचाया जाएगा क्योंकि इस छठ पर्व में गंगा जल की जो महानता है वो काफी अधिक है और इसी को ध्यान में रखते हुए कटिहार नगर निगम प्रशासन के द्वारा ये पहल शुरू की गई है और बताया गया है कि यह साफ तौर से सेवा जो है वो निःशुल्क है और इसके लिए टोल फ्री नंबर की भी बात उन्होंने की, टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है जिससे जो भी लोग चाहे अपने घर पे होम डिलीवरी जो है गंगा जल मंगवा सकते हैं और किस तरीके से प्रशासन के द्वारा घर घर गंगा जल पहुंचाया होगा इन तमाम चीजों की जानकारी भी उन्होंने दी है। तो फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही, बाकी के खबरों के लिए देखते रहे बिहार इन शॉर्ट्स। धन्यवाद।